अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ टेजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। और इस सीन में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कुछ न्यू सॉन्ग्स के बारे में जो कि आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमजर के बारे में। तो हमजर का एक न्यू सॉन्ग आया हुआ है, सॉन्ग का नेम है कैसे मिले हम। तो अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग सुनना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और राजा का भी एक सॉन्ग आया हुआ है मिली बार, तो ये सॉन्ग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके बाद माजी ए आर मुगल और जी एफ के टी के का भी एक सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है दौर है। तो ये सॉन्ग आप जरूर जाकर सुनना, ये भी काफी मजे का सॉन्ग है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और रैप जरा के दो सॉन्ग आए हुए हैं, एक सॉन्ग का नेम है थग लाइफ और दूसरे सॉन्ग का नेम है सरे आम। सो अगर आप लोगों ने ये दोनों सॉन्ग सुने तो इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड जिंदगी के टाउन बॉयज की तरफ से एक सॉन्ग आ चुका है, अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग भी सुना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो गाइज, जेब और रिमोर्कर का भी एक न्यू सॉन्ग आया, सॉन्ग का नेम है 4:30 AM। अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग भी सुना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी अंडर रेटेड न्यू रैपर जिनके मैं सॉन्ग्स कवर कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, उनके सॉन्ग्स एक बार जरूर जाकर सुनना, क्योंकि सारे सॉन्ग मैं सुन चुका हूँ एंड काफी बेटर क्वालिटी है इनके सॉन्ग। तो थोड़ा सपोर्ट और प्यार आप दिखाएंगे, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये बेहतर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। हम बात करने वाले हैं तलहा यूनुस के बारे में। तो रिसेंटली तलहा यूनुस का एक न्यू सॉन्ग आया है जो कि एहसान के साथ कोलैबोरेशन में था, और एहसान के चैनल पे ही अपलोडेड है और साथ में उनके साथ तलहा यूनुस फीचर्ड है, और सॉन्ग का नेम है कलम। अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उमर आजम का एक सॉन्ग आने वाला था सवाल, वो भी फाइनली आ चुका है, अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग भी सुनना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया था एक बार के एक लड़का जो पाकिस्तान से है और वो अंडरग्राउंड रैप करवा रहा है, तो फाइनली उनका अंडरग्राउंड रैप भी अब रिलीज हो चुका है, इरफान फैक्ट्स वर्सेस एचके म्यूजिक का। तो अगर आप लोगों ने ये रैप बैटल सुनना है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ये रैप बैटल देख सकते हैं। तो मैंने पूरी देखी, काफी मजे की लगी मुझे, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर जाकर देख लेना। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। हम बात करने वाले हैं रफ्तार के बारे में। तो रिसेंटली रफ्तार ने भी अपनी इंस्टा पे फारिस शफी का सॉन्ग शेयर करते हुए साथ में कैप्शन में भी लिखा कि रसायन मंत्रा। वेल, मुझे रसायन मंत्रा का मीनिंग तो नहीं पता, अगर आप में किसी को बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आई थिंक रफ्तार को भी यह सॉन्ग काफी हार्ड लगा, दैट्स व्हाई ही इज शेयरिंग दिस सॉन्ग। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं पाड़ी और ये के बारे में। तो रिसेंटली एक पाड़ी और ये सॉन्ग भी आ चुका है नॉन लिमिट म्यूजिक में, जिनमें इवा बी और साथ में उनके फीचर्ड है रेस। सो बेसिकली इस सॉन्ग में काफी ज्यादा सबलिमिनल्स है, जिसमें इवा बी ने यंगस्टर्स को भी एक सबलिमिनल मारा है उनके न्यू सॉन्ग PSL के एंथम को लेकर, और इसमें और काफी सारे लोगों को भी डिस किया गया है, इवन के इमरान खान का भी नाम लिया गया है। इमरान खान PM, नॉट इमरान खान म्यूजिक। तो आप लोगों को इस सॉन्ग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट है सॉन्ग जरूर जाकर सुनना। एंड गाइस प्लीज, मेरी तरफ से या फिर आप लोगों में से किसी की तरफ से इवा बी को हेट नहीं जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले MD के बारे में। तो रिसेंटली MD ने भी अपने इंस्टा पे Q&A रखा था, जिसमें उनसे काफी सारे क्वेश्चन किए गए। तो इस पे सबसे पहले क्वेश्चन किसने किया कि फादी एक्स MD, तो उस पर रिप्लाई किया कि अनकरीब। और साथ में दूसरा क्वेश्चन किसने किया कि नेक्स्ट सॉन्ग, तो उस पर रिप्लाई करते हुए MD ने कहा कि सैटरडे को। ये कन्फर्म नहीं कि इनका जो सैटरडे को सोलो सॉन्ग आएगा या फिर फादी के साथ कोलैब या फिर किसी और के साथ कोलैब। तो लेट्स सी कि कोई अपडेट से मिलेगी तो वो अपनी वीडियो थ्रू आपको मैं बता दूंगा। एंड उसके बाद किसी ने उनसे पूछा कि हमजी का डिस ट्रैक कैसा लगा, रिप्लाई आएगा क्या। तो उस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि गाना ओवरऑल अच्छा था, सिर्फ मेरे महरूम बाप को बीच में लाया वो बुरा लगा। तो नेक्स्ट स्टोरी पर किसी ने पूछा कि क्या आप उसको रिप्लाई करेंगे पे बैक का, तो उस पर वो बीच की उंगली देते हुए कहे कि ये रहा। तो ये कन्फर्म है कि MD अब हमजी को रिप्लाई नहीं करेंगे एंड उनकी अब बस फोकस है अपने न्यू सॉन्ग्स और कोलैबोरेशंस पे। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी तरफ। तो हम बात करने वाले इमरान खान के बारे में। तो रिसेंटली इमरान खान ने भी अपनी इंस्टा पे एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि वो जल्द ही आने वाले हैं PSL ओपनिंग सेरेमनी में, और इसी से रिलेटेड वो बताए। सो वो क्या कहे आप उनके स्टोरी भी खुद देख लें। Yo, 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 this your boy Imran Khan. I'm coming this year to the HBO PSL. Watch out, it's gonna be crazy. Peace. Groove from here. तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। तो हम बात करने वाले हैं आसिम अजहर के बारे में। तो आसिम अजहर का भी न्यू सॉन्ग आने वाला, जिसके बारे में जिसका छोटा सा गिफ अपनी इंस्टा पे शेयर करते हैं, वो कहे कि शूट डे। सो गाइस आसिम अजहर का म्यूजिक वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, जैसा ही रिलेटेड कोई अपडेट्स मिलेगी वो अपने वीडियो का थ्रू आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए गाइस हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले ज़ारा नईम के बारे में। तो पाकिस्तान स्टूडेंट ज़ारा नईम ने टॉप किया SSC एग्जाम में और उसे ग्लोबल प्राइज से भी नवाजा गया है। सो बेसिकली इसके बारे में बात करने का मकसद ये था कि तो काफी सारे लोग ट्विटर पे वार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि ज़ारा नईम को भी इतना ही फेम मिलना चाहिए जितना पाड़ी गर्ल को मिला है, क्योंकि ये भी इसे डिजर्व करती है। तो भाई सिंपल सी बात है, मीम एक अलग सीन है और ये स्टडी वाला सीन एक अलग है। अब हर लोग जो है मीम से रिलेट कर सकते हैं बट स्टडी से नहीं। आप में से कितने भी लोग होंगे उनको ये भी एग्जैक्टली नहीं पता होगा
कि ACCA का मतलब क्या है। हाँ भाई, एक आधा कमेंट्स करके क्या देगा कि भाई इसका मतलब ये है, बट सबको नहीं पता। सो काफी सारे लोग जो इसी बात को लेकर लड़ रहे हैं आपस में कि भाई ज़ारा नईम को इतनी फेम या फिर इतना पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिली जितनी पहाड़ी गर्ल को मिली है। सो आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले शमीरा बादशाह के बारे में। तो रिसेंटली शमीरा बादशाह ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो लगाई थी, वो वीडियो जो थी वो एल्विश यादव पे एक रोस्ट वीडियो थी जो कि एज रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। इसी के बारे में अपनी इंस्टा पे शेयर करते हुए कहे कि मोस्ट ऑफ माय सब्सक्राइबर्स कांट वॉच दिस वीडियो बिकॉज यूट्यूब एज रिस्ट्रिक्टेड दिस वीडियो। और नेक्स्ट स्टोरी में वो ये कहे कि शुड आई रीपोस्ट द वीडियो सो इट डजंट गेट एज रिस्ट्रिक्टेड। और नेक्स्ट स्टोरी में फिर काफी सारे लोगों ने उनको यस कहा था, तो उस पे रिप्लाई करते हुए थैंक्स फॉर द वर्ड्स, आई रिमूव द वीडियो बिकॉज इट वॉज एज रिस्ट्रिक्टेड, विल रीपोस्ट द वीडियो टुमारो। सो यानी कि शमीरा बादशाह अपनी रोस्ट वीडियो जो है एल्विश यादव दोबारा पोस्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों में से किसी ने मिस कर दिया या फिर उनको मिली नहीं है तो वो भी जाकर इनके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। एंड या गाइस, अ बिग शाउट आउट टू अहमद बीट्स। सो गाइस, आप लोग इनके चैनल पे जाकर इनके बीट्स वगैरह सुन सकते हैं। इनके बीट्स काफी मजे की होती हैं और आप लोग इसकी बीट यूज भी कर सकते हैं अपने किसी बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर कहीं और भी। तो आप लोगों को ये सारा सीन फ्री में मिलेगा विदाउट एनी चार्जेस या फिर कॉपीराइट क्लेम। सो अगर आप लोगों ने ये बीट वगैरह सुननी है या फिर यूज करनी है तो आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अहमद बीट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट जाकर आप ये बीट्स वगैरह सुन सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर 3K सब्सक्राइबर्स। मुझे इतनी सब्सक्राइबर्स की खैर उम्मीद तो नहीं थी, बट आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नेक्स्ट लेवल का है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। वक्त तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक कर दें। अगर आपके पास इसी तरह यूट्यूब या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई न्यूज़ या अपडेट्स है तो आपने करना क्या, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से बस भाई को फॉलो कर देना और न्यूज़ दे देनी है। मैं न्यूज़ देने वाले को इसी तरह वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट आउट भी दूंगा। एंड अगर आप कोई रैपर अंडरग्राउंड और आपने कोई सॉन्ग निकाला तो भाई उसका लिंक भी आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में उसके बारे में भी कवर करूंगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं आपके मैसेज नहीं देख रहा, मैं सबके मैसेज देखता हूं। अब इसमें से काफी सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनके मैंने सॉन्ग की स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अपने वीडियो में लिंक डाल दिया हुआ है, बट मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया हुआ। सो गाइस दिल छोटा मत करना, मैं रिप्लाई सबको नहीं कर सकता बट मैं सबके मैसेज जरूर देखूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना। डीले वीडियो अब तक ले भाई को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बैठा है ना कोई पूछता गरीब से, ये लड़कियां ही कहती प्ले बॉय मुझको पीठ पे, गलत सोच दूर कर दो देख लो करीब से। वो बचपना कहां जब साथ मिलके भागते थे, एक ही रसाई में कजन हम रात जागते थे, चुपन चुपाई खेलते थे हम आपस में, गालियां लिख के क्लास में मारते थे कागज में, हम एक दूसरों के खिलौने खुद से शेयर करते, वो भी क्या दिन थे जब एक दूसरों की केयर करते। अपने ही हाथों से ये दोस्त अपनी ही चीज खिलाता, उंगलियां दिखा के दोस्ती का करते इशारा, मेरी ही गलतियों पे तू अगर ये रूठ जाता, मैं पास आके टोफी दे के सॉरी कह के मनाता, मैं खुदा से ही कहता हूँ दिखा दे वक्त दोबारा, जो साथ बचपन में दोस्तों के है गुजारा। तेरे चेहरे की हंसी की कीमत क्या है दोस्त, तुझ पे